ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। टीएमसी प्रमुख और सूबे के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को चंबल का डकैत कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से बड़ा चोर कोई नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने 2014 साल 2016 और 2019 चुनाव में कहा था कि बंगाल में 7 टी गार्डन खोले जाएंगे और केंद्र उन्हें टेकओवर करेगी। अब ये लोग रोजगार का वादा कर रहे हैं, बीजेपी केवल धोखा कर रही है, बीजेपी से बड़ा चोर कोई नहीं है। ये लोग चंबल के डकैत हैं। ममता ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि बंगाल में CAA NRC NPR लागू किया जाएगा। इसके साथ ही लगातार जो है बयानबाजी का दौर पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी भी रण में उतर चुकी है और इसके साथ ही बीजेपी का शंखनाद भी हो चुका है। अमित शाह, जेपी नड्डा तमाम दिग्गज जो हैं पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुके हैं, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को यह डर है और इसके साथ ही बयानबाजी का दौर भी ये शुरू हो गया है।